आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसके मदद से तुम अपने एटर्नो सर्वर को 24/7 कर सकते हो। एंड ना ही मैं इस वीडियो में कोई रेपलेट का यूज करूंगा एंड ना ही मैं अप टाइम रोबोट का यूज करूंगा। तो लेट्स गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके सर्वर का सॉफ्टवेयर चेंज करके पेपर करना पड़ेगा। फिर साइड में जो प्लगइन वाला ऑप्शन है उधर क्लिक करने के बाद आपको इधर तीन प्लगइन ऐड करने पड़ेंगे। एक है हमारा विया वर्जन एंड विया बैकवर्ड एंड देन गीजर एमसी। ये तीन प्लगइन आपको ऐड करने पड़ेंगे। फिर आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर आने के बाद आपको इधर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इधर फिर आपको साइट में जो अर्न कॉइन वाला ऑप्शन दिख रहा है उधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो कैप्चर वाला बटन है उधर आपको क्लिक करना है एंड इधर एक कैप्चर आएगा उसको आपको कम्प्लीट करना है। फिर आपको क्लेम कॉइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको एक कॉइन मिल जाएगा। ऐसे आपको 10 बार करना है 10 कॉइन के लिए। आपके पास जब 10 कॉइन हो जाएंगे फिर आपको साइड में जो क्रिएट सर्वर वाला ऑप्शन दिख रहा है उधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको एक सर्वर का नाम दे देना है। मैं कोई भी दे रहा हूँ, मैं अभी के लिए एमसी बॉट दे रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है एंड देन ऊपर जो बटर वाला प्लान है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको आएगा वीकली मंथली एंड वीकली को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर आपको मैनेज सर्वर पे ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको डिस्कॉर्ड से लॉग इन कर लेना है इधर पैनल में। फिर आपको दिखाएगा कि आपका सर्वर अभी रीइंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि मेरा भी लगा था, तो आप 5-6 मिनट वेट कर लो। ओके, तो रीइंस्टॉल होने के बाद आपको अदर फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये मैं एक फाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको डाउनलोड करके इधर अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद इसको अनजिप करना है। अनजिप होने के बाद इधर आप जो जिप फाइल है उसको आप डिलीट कर सकते हो। फिर आपको जाना है index.js पे। फिर आपको देखेगा जो होस्ट दिखेगा उधर आपको आपके सर्वर का आईपी देना है, सिर्फ आईपी, पोर्ट नहीं देना है आपको। फिर आपको नीचे पोर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा उधर आपको आपका पोर्ट कॉपी करके डाल देना है। फिर आपको सेव कंटेंट वाले पे क्लिक करना है। देन इधर आपको देख लेना है कि आपका सर्वर अभी ऑन है या फिर नहीं। फिर आपको इधर बॉट को भी स्टार्ट कर लेना है। तो अभी देख सकते हो हमने जो अभी बॉट बनाया था वो अभी सर्वर ज्वाइन कर चुका है। तो देख सकते हो मैंने अभी सर्वर ज्वाइन कर लिया एंड ये देखो ये है हमारा बॉट। तो ये सर्वर अभी भी 24/7 नहीं हुआ है, ये 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली लीव कर देगा। इसको 24/7 बनाने के लिए आपको एक और चीज करना पड़ेगा जो मैं अभी वीडियो में दिखाता हूँ आपको। अभी आपका चैट ओपन करना है, देन लिखना है /effect give एंड आपका बॉट का नेम एंड लिखना है regeneration। फिर आपको infinite लिखना है। फिर आपको 255 एंड इसको true या false कुछ भी आप कर सकते हो। फिर आपको वैसे ही पूरा सेम कमांड लिखना है। फिर आपको जो regeneration लिखा था उधर आपको लिखना है health boost एंड देन फिर से इंटर कर देना है। फिर आपको बेडरॉक ले लेना है एंड कहीं भी आपको एक बेडरॉक केस बना लेना है। ओके, तो बेडरॉक केस बनाने के बाद आपको आपके बॉट को इधर टीपी करना है। तो टीपी करने के बाद आपको ले लेना है एक नेम टैग, एक एनविल एंड एक ज़ॉम्बी का एक ले लेना है। फिर आपको एनविल में नेम टैग को डाल के उसका नेम चेंज कर लेना है एंड एक ज़ॉम्बी स्पॉन करके उसको नेम टैग दे देना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और दिन एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।